going to deal in the current affairs, a major portion of all one paper MCQs. इस पेपर के अंदर ये जो पोर्शन है, अगर एफपीएससी की अगर आप बात करें तो एफपीएससी इस पोर्शन में 20 मार्क्स का कुछ टेस्ट के अंदर 20 मार्क्स को का अलग से सिलेबस देता है कि आपके नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स हैं ना, उनको उन पे सवालात होंगे. सो जबकि पीपीएससी पिछले कुछ अरसे से कुछ यूं कर रहा है कि वो अगर पाकिस्तान से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है तो किसी ना किसी ऐसे इवेंट के बारे में पूछता है जो रिसेंटली चल रहा होता है. मिसाल के तौर पे अगर यहाँ किसी में न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह हुआ है, जैसे कराची का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का पांचवें फेज का आगाज हुआ था, तो उसमें वो क्या पूछेंगे? अगर उन्होंने हिस्ट्री का टच देना है, पाकिस्तान अफेयर का टच देना है, तो पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो पहला न्यूक्लियर प्लांट था वो कहाँ लगा. तो इस हवाले से जो करंट अफेयर है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और एटलीस्ट आपको पिछले दो साल के विद पर्टिकुलर फोकस टू ऑन द लास्ट सिक्स मंथ आपको वो आने चाहिए. अब इसको करना कैसे है तैयार? ये लेक्चर आपको हेल्प आउट करेगा कि आपने करंट अफेयर्स को तैयार कैसे करना है, उसकी डायमेंशंस को कैसे एक्सपेंड करना है. और आप देखेंगे आज हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का जनवरी से लेके मार्च तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे. अगर हमारे पास थोड़ा टाइम हुआ तो वी विल एक्सटेंड टू अप्रैल मई एज वेल. सो ये जो स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये हमारे रेगुलर ग्रुप्स के अंदर शेयर होती हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप्स होते हैं. तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ कंपाइलिंग. तो लेट मी शेयर दो स्लाइड. जी, मैं क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में लूंगा इंशाल्लाह, फीडबैक भी आपसे लेंगे हमारी फ्री सेशंस के बारे में. ये इंटरनेशनल आ गए, लेट मी शेयर नेशनल. थैंक यू. हो गया भाई. नजर आ रहे हैं आपको जर्नल हाइलाइट्स मार्च लिखा हुआ नजर आ रहा है? आज मेरा लैपटॉप लिखते हैंग हो गया. मोशन बस ये आ गया जी, मैं नजर आना खत्म हो जाऊंगा, ये आपको स्क्रीन नजर आएगी. ये लीजिए, अब दोनों चीजें नजर आ रही हैं. चले ठीक है, थैंक यू. चले जी स्टार्ट करते हैं. वेयर इज माय पेन? शॉर्ट नोट्स मैंने कुछ लिखे थे. सो जी जनवरी 2023, जनवरी 2023 जो है उसमें जो पहला हमारा हमने जो इवेंट देखना है वो था जनाब के नेशनल पंजाब असेंबली की नई बिल्डिंग बनी थी और उस वक्त के सीएम जनाब चौधरी परवेज इलाही ने उस असेंबली को इनॉग्रेट किया. अब जब भी आप करंट अफेयर्स को तैयार करने लगे तो आप चारों असेंबलीज की पांच छह बॉडीज होती हैं बेसिकली, जो जिसको आप लेजिस्लेटिव बॉडीज कहते हैं, पार्लियामेंट्स कहते हैं, या प्रोविंशियल असेंबलीज भी उसमें मतलब एक कैटेगरीज. नेशनल असेंबली होती है, सेनेट होता है, चारों सूबों की असेंबलीज होती हैं, और अगर उसके अंदर आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी
शामिल कर लें तो वो भी। अब इसका आपने करना क्या होता है, करना होता है कि इसके आप एक चार्ट बनाते हैं, मेरी किताब के अंदर वैसे वो मौजूद है कि आप चार्ट बनाते हैं। चार्ट बना के आप उस असेंबली की टोटल रुकनियत, कितने मेंबर्स हैं, नेशनल असेंबली की बात है या पंजाब असेंबली की, उसके अंदर जनरल सीटें कितनी हैं, कितने लोग इलेक्ट होते जाते हैं, कितनी सीटें रिजर्व हैं फॉर वुमेन, फॉर टेक्नोक्रेट्स, आर फॉर मिनोरिटीज, उलमा वगैरह, सेनेट में, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबलीज में, आजाद कश्मीरी असेंबली है या गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली है, सब में। फिर उसके अंदर करंट स्पीकर, करंट डेप्टी स्पीकर, अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर जो है वो पीएम होता है, और प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर सीएम जो है वो नेशनल असेंबली, अभी तो नहीं है मौजूद असेंबली, अभी इलेक्शन के बाद आ जाएंगी। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की असेंबलीज मौजूद हैं और उनके इलेक्शन भी 2023 में हुए हैं, 22 या 23 में, तो वो क्वाइट रेलिवेंट है, उसके ऊपर जरूर काम कीजिएगा। ठीक है, तो उनको आपने जरूर लिखना है। इसी तरह चेयरमैन सेनेट होता है, चेयरमैन सेनेट के बाद जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट होता है और एक अपोजिशन लीडर होता है, और इसी तरह उसके अंदर गवर्नमेंट की पार्टी होती है, उसका भी एक लीडर ऑफ द हाउस होता है सेनेट के अंदर गवर्नमेंट का, सो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। इनके ऊपर काम आप जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर पर अब इसकी डेट याद रखना, मतलब मैं साथ बताता जो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप डेट भी याद रखें इस ऐसे इवेंट्स की। वो इवेंट जो बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट होगा, अर्थक्वेक आया, कोई कोई किसी कंट्री के साथ कोई मुहिदा कंक्लूड किया है, उसका आप डेट भी याद रखेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर के फ्लड्स आए थे बहुत बड़े पैमाने पर 2022 में, तो उसके ऊपर हमने दुनिया के अंदर जो है वो एक दुनिया को एजेंडा दिया है, हमने अपना एक आप कह लें कि हमने अपना अपना एक ना एक सॉर्ट ऑफ क्लेम डेवलप किया है कि हम दुनिया के वो उन ममालिक में से शामिल हैं जो कि माहौलियाती आलूदगी को, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, उसको हम प्रोपोगेट नहीं करते, हमारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वी आर द अफेक्टिस, और ये जो फ्लड्स आ रहे हैं उसी वजह से आ रहे हैं। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि हमें क्लाइमेट रेजिलियंट भी बनाए, हमें हेल्प करे। तो जेनीवा के अंदर हमने ये जनाब कॉन्फ्रेंस किया, इसका फंड रेजिंग की, तो दुनिया ने $10 बिलियन का वायदा किया कि हम देंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान तक पहुंची है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर साहब जो है ना जी, वो दौरे पर गए हैं, जिन्होंने क्या सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात की है। अब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का कह चुके के जो आप डिफेक्टो रूलर हैं, आप कह सकते हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, तो इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। अब जहां पर जितनी भी कंट्रीज के नाम आएंगे इन स्लाइड्स के अंदर, आपने उस कंट्री के बारे में क्या चीज तैयार करनी है ये भी अपने पास लिख लें, ये भी एक तरह का एक टिप है। उस कंट्री के अंदर पाकिस्तान के सफीर का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर उस कंट्री का सफीर पाकिस्तान में मौजूद है, अगर उसको भी कर ले तो क्या ही बात है, फिर तो वाह वाह है। उसके साथ आप उस कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उस कंट्री की पार्लियामेंट का नाम, उस कंट्री के कैपिटल का नाम, उस कंट्री की करेंसी का नाम, ये आप अपने पास लिखते जाएंगे तो तबाही फिर जाएगी। फिर सीओसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यूएई का भी विजिट किया है, और यूएई के ऊपर बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि इसमें कितनी अमारात हैं, कितनी स्टेट का वो है, और कब फॉर्म हुआ था, और इसके मौजूदा जो हेड हैं उनका क्या नाम। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट के पास गए मिलने, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। अब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, इनके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, कितने में प्राइम मिनिस्टर थे, इनका टेनोर कितना था, पंजाब के सीएम ये कब से कब तक रहे हैं। कराची के अंदर ई बस सर्विस जो है वो चलाई गई, और ये पाकिस्तान के अंदर एज अ सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी से चलने वाली, ये सॉर्ट ऑफ फर्स्ट है। जनवरी के अंदर जो और हुआ काम वो है जी कि आपने प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया आर्टिकल 112 के तहत। ठीक है, अब ये पॉइंट के आर्टिकल 122 आर्टिकल के तहत आप प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। कराची के अंदर लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे जनवरी 15 को, और कुछ हिस्सों के अंदर पीपी जीती। अब आपको पता है हु इज द मेयर कराची, मुर्तजा वहाब, उसका नाम आप लिख लेंगे।
15 जनवरी को ये एक सिग्निफिकेंट है कि रिकोडिक जो प्रोसेस है, रिकोडिक जो है गोल्ड कॉपर के माइंस हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी मिकदार में डिपॉजिट्स हैं, और पाकिस्तान ने 2009 में ये एक कंपनी को अवार्ड कर दिया। सुप्रीम ऑफ कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सोमोटो एक्शन लिया, तो सोमोटो एक्शन के तहत उसने इस पे पाबंदी लगा दी कि ये जी कॉन्ट्रैक्ट सही जो है वो नहीं दिया गया, राइट। तो वो जो कंपनीज थी जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था पाकिस्तान से मुआहिदा करके, वो चली गई इंटरनेशनल फोरम्स पर, पाकिस्तान को जुर्माना हो गया। पाकिस्तान ने उन कंपनीज को दोबारा बुलाया और उनके साथ बैठ के डील की, तो उन कंपनीज ने पाकिस्तान के साथ दोबारा निगोशिएट किया और वो जुर्माना अपना जो है वो क्लेम खत्म हो गया उनका। अब हमने नए सिरे से इनको जो है वो दिया जो अवार्ड की है। अब इसके अंदर ये जो 100% इस प्रोजेक्ट के शेयर हैं, 50% जो शेयर हैं वो बैरक गोल्ड के नाम है, ये कनाडा की कंपनी है, टोरंटो के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, 50% इसके पास है, 25% पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। ये पाकिस्तान की तीन इदारे हैं जिसमें पाकिस्तान का ऑयल एंड गैस है, PSO है शायद, और एक और इदारा है। 25% इनके पास है, 25% इसका जो शेयर है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास। अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास 25%, 50% और 50% उनके पास, और अब ये काम इस पे हो रहा है। अच्छा, इसका एक्सटेंसिव लिख लेंगे जरा अगर आप, तो वो ये है कि ये जो मार्क ब्रिस्टन, मार्क ब्रिस्टन इस कंपनी का मौजूदा CEO है, ये जिसका मैंने आपको बताया, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कनाडा टोरंटो में, और गालिबन एक दफा आया भी है कि किस ये कंपनी जो है वो किस कंट्री की है। केपी असेंबली को गवर्नर की एडवाइस पर डिसॉल्व कर दिया गया, ठीक है, केपी असेंबली भी डिसॉल्व हुई। अब ये तो दोबारा, ये अब उस क्वेश्चंस नहीं रिपीट हो सकते क्योंकि अब तो दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं। असेंबलीज के बारे में जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने आपको बताए। अशरफ वथरा, इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर NBP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन बना दिया गया। आपके लिए क्विज है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कब स्टेब्लिश हुआ? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ये 1 जुलाई 1948 को कायदे आजम ने इसके इफ्तिताह किया था, जाहिद हुसैन इसके पहले गवर्नर हैं और इसकी शमशाद अख्तर फर्स्ट फीमेल गवर्नर है, ठीक है। हाँ, इसके बाद रशिया पाकिस्तान में आया जी, रशिया का जो एनर्जी मिनिस्टर है वो पाकिस्तान में आया और उसने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, और जो दोनों अतराफ के जो जो बातें हैं इंटरेस्ट की वो डिस्कस हुई। अब पाकिस्तान और रशिया ऐसे दो कंट्रीज हैं जिनका कभी भी ताल्लुकात जो हैं वो उस लेवल के, मतलब बड़े क्लोज किस्म के नहीं रहे, क्योंकि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त एक कोल्ड वॉर चल रही थी, अ वॉर ऑफ सुपेरियरिटी बिटवीन द टू सुपर पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया। तो इस एरा के अंदर रशिया ने भी पाकिस्तान को दावत दी, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, पहले प्राइम मिनिस्टर, वो 1951 में जो है वो दौरे पे चले गए USA के, और पाकिस्तान ने कई मुहाइदे भी साइन कर लिए USO के साथ, जिसमें सीटो है, सेनेटो है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है अमेरिका के साथ। तो एक तरह से पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में चला गया, जिसके जिसके बाद जो है वो रशिया को बड़ी उसके अंदर जो है वो रिजर्वेशन रही, और इंडिया फिर जो है वो रशिया की तरफ गया। अब पाकिस्तान की तरफ से जो पहला दौरा, जो हेड ऑफ स्टेट है जिन्होंने रशिया का किया था, इट वाज अयूब खान, प्रेसिडेंट अयूब खान ने रशिया का पहला दौरा किया था 1965 में, और अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज ऑन अप्रैल 3, 1965 को। और रशिया का पहला प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो 1968 में आया, उनका सदर अब तक नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर एक आया और प्राइम मिनिस्टर का नाम था कॉसेजिन। ही विजिटेड इन 1960। अब पाकिस्तान और रशिया ने के बारे में एक सवाल बड़ा आता है कि पाकिस्तान और रशिया ने जो है वो
मतलब कहाँ कहाँ तावन किया। तो स्टील में लो पाकिस्तान जो है ना ये रशिया के तावन से लगी हुई, ठीक है। और एक और इवेंट जिसके ऊपर सवाल आता है वो है U2 इंसिडेंट। पाकिस्तान ने ना अपनी कुछ इलाके पिशावर में कुछ एयर बेसिस यूएसए को दी थी, और यूएसए वहां से स्पाई एरोप्लेन जिनका नाम था U2 इनको उड़ाता था, जो कि अमेरिका जो कि यूएसए की रशियन टेरिटरीज में जाके स्पाई करते थे, जासूसी करते थे। तो उन्होंने 1 मई 1960 को इस त्यारे को मार गिराया, मतलब गिराया। और फिर उन्होंने बड़ा एक जो था वो बयान दिया था, कहा था पाकिस्तान को थ्रेटनिंग, डोंट प्ले विद द फायर। तो ये इस इवेंट के ऊपर भी सवाल पूछे गए हैं कि ये कब हुआ था इवेंट। तो ये आपने अब ये मैंने आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने करंट अफेयर्स को एक्सप्लोर करना है, जीके है ही ऐसे, आप एक जो चीज है ना उससे 10 चीजें निकालते जाते हैं और ये बड़ा होता जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये 3 महीने में कोई नहीं कह सकता कि जी आपका सब कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको स्किल डेवलप कर दी गई आपकी, तो आपके लिए ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आपको पता लग जाएगा डाटा कहाँ से लेना है, कैसे इकट्ठा करना है, कैसे जनरल नॉलेज को तैयार करना है, फिर आप मजा करेंगे, फिर आपको मजा आएगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेटेड सैयद मोहसन, अब पाकिस्तान का जो पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हुई तो जो आरजी गवर्नमेंट कायम हुई थी, तो उसको ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब ये होता है कि जब असेंबली को डिसॉल्व हो जाती है तो उसके जो फॉरगोइंग प्राइम मिनिस्टर सीएम और अपोजिशन लीडर होते हैं ना पिछली असेंबली के, वो बैठते हैं और एक केयर टेकर नाम नॉमिनेट करते हैं। अगर वो किसी नाम पे मुत्तफिक ना हो तो क्या किया जाता है, 3 दिन उनके पास होते हैं, तो वो एक कमेटी बनती है पार्लियामेंट की, जिसमें अपोजिशन के लीडर भी होते हैं, उस असेंबली की कमेटी बनती है, और गवर्नमेंट के भी लीडर होते हैं, गवर्नमेंट के भी एमपीएस होते हैं। उन दोनों को दोनों लिस्ट, अपोजिशन लीडर अपनी लिस्ट भेज देता है और कई मेरी तरफ से ये नाम है, वो अपनी तरफ से लिस्ट भेज देते हैं, तीन तीन नाम, तो वो बैठ के किसी एक नाम पे मुत्तफिक हो जाते हैं, 3 दिन उनके पास होते हैं। अगर वो 3 दिन में भी नाकाम रहे तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास मैंडेट है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर दे। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि उनकी रजामंदी ना हो या अपोजिशन लीडर और सीएम की, तो क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सैयद मोहसिन नकवी को केयर टेकर ऑफ प्राइम सीएम पंजाब लगा दिया, और ही इज स्टिल वर्किंग। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहला जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 उसके तहत बना था, और पहले इलेक्शन कमिश्नर का नाम था फतेह मोहम्मद, मौजूदा इलेक्शन कमीशन का नाम है सिकंदर सुल्तान राजा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं जी। बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने रशिया का ऑफिशियल विजिट किया, और बिलावल भुट्टो यू नो कि यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान और तुर्की की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जिनका नाम है अतातुर्क 12, अतातुर्क 12, ये इसका 12th एडिशन था। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज है बिटवीन तुर्की एंड पाकिस्तान। अब इस इनका ना इनके ऊपर जो है सवाल ये आता है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज का ये नाम है, और इस नाम के साथ पाकिस्तान किसके साथ करता है, पाकिस्तान किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है उसके ऊपर एक दफा सवाल आया हुआ है गैस। तो इस तरह से आपने डेट्स याद रखना जरूरी नहीं। जनवरी के अंदर जो है ना जी वो जो डेथ्स हुई उसमें माजिद जहांगीर साहब फौत हो गए, ये इनका फेमस शो था 50-50। अब्दुल लतीफ अफरीदी जो पेशावर हाई कोर्ट एक अब्दुल लतीफ अफरीदी एक बड़ा नाम था वो कलाकी कम्युनिटी में, उनको पिशावर हाई कोर्ट में गोली मार से मार दिया गया। और अवारी होटल के दिशनवा, ब्रियाम दिशनवा जो थे वो अवारी होटल के जो फाउंडर थे, वो फौत हुए और जनवरी 22 को। जनवरी 22 के अंदर होने वाले इम्पोर्टेंट जो वाकयात हैं, केयर टेकर सीएम पंजाब में कौन आया था, मोहसिन नकवी, और आजम खान आ गए हैं काम पर सी उसमें सीएम। सेवन पाकिस्तानी पीस कीपर जो है ना वो यूएन के मिशन में डाई 2020-22 में, और
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे पाकिस्तान की रैंकिंग आई 140, और ये नई आने वाली है तो आपने उसको अपडेट कर लेना 2023 के मुताबिक। पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी में हारून रशीद आ गए, तो अब ये अब नहीं है क्योंकि ये चेंज हो गया काफी ज्यादा। पीएम अब जो बस चीफ सिलेक्टर है वो हफीज है, मोहम्मद हफीज है, और उसके भी चांसेस हैं कि आपके एग्जाम आने तक शायद वो भी चेंज हो, तो उसको फॉलो करना। प्रोविंशियल असेंबली की रेजोल्यूशन के साथ जो आर्टिकल डील करता है उसका नाम है 112, आर्टिकल 112। अच्छा, इसमें एक आर्टिकल का जिक्र हुआ है कि आप 90 दिन, 90 दिन इलेक्शन सुनते हैं कि जब भी असेंबली रिजॉल्व होगी तो 90 दिन के अंदर नेक्स्ट इलेक्शन हो जाएंगे, तो उसमें जो आर्टिकल डील करता है वो 224(3)(c) उसका सेक्शन डील करता है। बाबर आजम को आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सेकंड टाइम मिला 2022 में। अब जो क्रिकेटर के नाम आए हैं इंटरनेशनल में उसको आपने फॉलो कर लेना। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर टी ट्वेंटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसी तरह टेस्ट का भी होता है, और इसी तरह तो उसमें जो जो नाम आए हैं वो पाकिस्तानी, उनमें कोई भी नहीं है, उसको आपने अपडेट कर लेना। इसी तरह रिजवान और हारिस को भी मिला था, जो कि अब रेलिवेंट नहीं रहा क्योंकि इसकी नई आ गई है, नई रैंकिंग आ गई, अब ये रेलिवेंट नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब फरवरी के अंदर हम आ जाते हैं। फरवरी के अंदर आते हैं तो जी, 2 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट का तीसरा यूनिट का इफ्तिताह किया। अब ये पहला यूनिट जो था ना, जो लगा था ना इसका, दैट वाज विद हेल्प ऑफ कनाडा, 1971 में लगा था कराची में, और ये पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था। और फिर हमने चश्मा में भी, हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है चश्मा मियांवाली में, तो वो इनॉगरेट हुआ था कुछ 2006 में, मतलब 2000 में, 1993 में बनना शुरू हुआ था और 2000 में वो मुकम्मल हो गया था, और इट वाज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ चाइना। अब कनाडा जो उसके बाद चाइना, इसको आपने ध्यान में रखना है। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे 5 फरवरी को हम मनाते हैं, यौम इस्तेहसाल कश्मीर, और इसी निस्बत से एक मजीद आया हुआ है, यौम सॉलिडेरिटी डे और यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाता है 15 अगस्त को। यौम यकजहती, इसको यकजहती कहते हैं, और ये यौम इस्तेहसाल, क्योंकि 15 अगस्त को, 5 अगस्त को, सॉरी 5 अगस्त को, 15 नहीं 5 को, क्योंकि उन्होंने इनका जो स्टेटस था कश्मीर का उसको चेंज कर दिया था, उन्होंने अपनी यूनियन टेरिटरी बना ली। यूके गए हैं, यूके के बारे में वही आपने मालूमात तैयार कर लेनी है। सीएम हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूके गए हैं। PSL 8, अब इसके ऊपर मैं डिटेल आपको लास्ट में बताऊंगा, और आपने इसके अंदर जो PSL 9 शुरू हो रही है उसको आपने उसी तरह फॉलो करना है जैसे मैं आज आपको बताऊंगा। इसी तरह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, जिसका वियना में अंदर हेडक्वार्टर है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, या इंटरनेशनल न्यूक्लियर जो चीज़ें हैं उनको डील करता है, न्यूक्लियर जो हम कोई भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम रखता है अपने सिविल यूजेज के लिए, उसके बारे में ये प्रोटोकॉल्स तय करता है, और ये बना था 1957 में, और कोई 174 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, और इसके जो हेड है वो पाकिस्तान में आते रहते हैं, राफेल मैरियानो ग्रोजी, तो इन्होंने विजिट किया, इसकी डेट आप याद रखें। सो 5 फरवरी को ना मुनीबा अली, एक क्रिकेटर है पाकिस्तान की फीमेल, शी वेलकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर जिसने T20 100 जो है वो स्कोर किया। अब आपको पता है कि T20 100 मेल में किसने किया था? आहमद शहजाद ने किया था। अब आप इसको मजीद एक्सपेंड कैसे करेंगे जीके के वाले से? फर्स्ट ओडीआई सेंचुरी बाय पाकिस्तान इन मेल एंड फीमेल, फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी इन बाय पाकिस्तान बोथ मेल एंड फीमेल। मजीद एक्सपेंड करें, पाकिस्तान ने अपना पहला T20 कब खेला था, किसके खिलाफ खेला था, पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट किसके खिलाफ खेला था, पाकिस्तान ने अपना पहला ओडीआई किसके खिलाफ खेला था, और ये सारा ना इस किताब के अंदर स्पोर्ट जीके के नाम से ना ये मौजूद भी है, ठीक है? तो ये इससे भी गाइडेंस मिलती है स्टूडेंट्स को कि आपने अपनी, मतलब दैट इज ऑल अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान से रिलेटेड हर चीज इस बुक में मौजूद। इसके बाद
मुनीबा अली को देखने के बाद जनाब हम चलते हैं नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तुर्की के साथ इजहार यकजहती करने के लिए तुर्किश अवाम के साथ वो गए विजिट पर। अब क्यों, किस चीज की सॉलिडरिटी? क्योंकि अर्थक्वेक आया, जलजिला आया वहां पर, और जलजिला आया था 6 फरवरी को सीरिया और तुर्की में। 21 फरवरी को आफताब सुल्तान ने नैब के चेयरमैन के तौर पर रिजाइन कर दिया। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो 1919 में बनी मुशरफ के दौर में। पहले इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था अमजद। मौजूदा जो आफताब सुल्तान के बाद बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर बट, ये है। और एक और सवाल आता है, पहले इसका ओहदा ज्यादा देर के लिए था, अब जो है वो 3 साल के लिए है इसका टर्मिनेशन। और अपोजिशन ये चेयरमैन नैब जो है वो 3 साल के लिए अपॉइंट हो, लिख लेंगे आप। फिर जी आप आएंगे सरप्राइज डे सेलिब्रेटेड। पाकिस्तान ने ऑपरेशन पाकिस्तान की हदूद की खिलाफवर्जी की थी इंडियन पायलट्स ने, पाकिस्तान ने उसको फौरी रिस्पॉन्ड किया ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट के जरिए। तो 27 फरवरी को हम सरप्राइज डे के नाम से वो डे मनाते हैं। न्यू फेडरल अम्बड्समैन, अम्बड्समैन क्या होता है ये? इट इज एन ऑफिस दैट दैट इज जिसको आप मोहतसिब कहते हैं। ये स्वीडन से कॉन्सेप्ट आया था, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री से कॉन्सेप्ट आया था, और पाकिस्तान में ये 79, इसको देख लीजिएगा, 80s में, 83 है शायद, इसको देख लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट। पहला ओम्बड्समैन बना था। फिर अब हमने एक ओम्बड्समैन बनाया वुमेन के लिए, वुमेन हरासमेंट के ऊपर, फौजिया वकार उसकी आजकल हेड है। ये आप इसका ओम्बड्समैन नेशनल भी है, प्रोविंशियल भी है। पंजाब में जो प्रोविंशियल ओम्बड्समैन है वो 1993 में बना था। अब एक टैक्स ओम्बड्समैन भी होता है, कि आपने सारों के हेड्स अगर सर्च कर लें तो दैट वुड बी गुड एनफ। पाकिस्तान का रिजाइन किया ब्रिस्टर ने, जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे, और मंसूर उस्मान अवान नए अटॉर्नी बन गए। विकिपीडिया पाकिस्तान में बैन हुआ ब्लैस्मियस कंटेंट की वजह से, गुस्ताखाना मवाद वहां पे मौजूद था, और विकिपीडिया को पाकिस्तान ने टाइम दिया कि उसको हटाएं। उन्होंने जब उसको नहीं किया तो पाकिस्तान ने उसको बैन कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने ऑनलाइन टिकटिंग के लिए राबता ऐप को इंट्रोड्यूस करवाया। फर्स्ट फीमेल टू विन अ सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन, जो पहली फीमेल सेक्रेटरी बनी है लाहौर बार एसोसिएशन की, सबाहत रिजवी। और लाहौर बार एसोसिएशन जो है ना, ये एशिया की सबसे बड़ी बार है। फर्स्ट फीमेल हिंदू टू बी अपॉइंटेड एज एसी, ये आई इनके अंदर। इनका नाम है सना रामचंद, और इनको हसन अब्दाल में तैनात किया गया। अब पहली जज भी आप लिख लें, पहली हिंदू जज कौन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में? फर्स्ट जो फीमेल जो है वो है, उसका नाम है सुमन पवान, बोदानी। अब ये वो चीजें हैं जो आपको किसी भी जगह बुक्स में आम जनरल नॉलेज की नहीं मिलती। ये करने के बाद जी हम आगे चलते हैं। परवेज मुशरफ साहब फौत हो गए। परवेज मुशरफ कौन थे? ही वॉज मिलिट्री पाकिस्तान आर्मी चीफ थे, और इन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिरा के मार्शल लगा दिया मुल्क में, और बाद में ये 10वें प्रेसिडेंट बन गए। और एक कुछ अरसे के लिए इन्होंने पोस्ट हेल्ड की जिसका था चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, ये भी ये रहे। दुबई में फौत हुए, 5 फरवरी, डेट इम्पोर्टेंट है। और कितनवे सदर थे? कितनवे सदर का तो आ चुका है ये सवाल, पीएमएस में आया था कल पर पिछले में। अमजद इस्लाम अमजद फौत हुए, और इसके बाद फेमस प्ले राइट थे ये, पोइट थे, यू नो। जिया मोहियुद्दीन बड़ा मशहूर पाकिस्तान का आर्टिस्ट, जो आवाज की वजह से बड़ा मशहूर था, एंकर था, अनाउंसर था, ये भी फौत हुए फेब के महीने में। मार्च में आ जाते हैं, पहला सेंसस पाकिस्तान का जी, 7वां मजमूई तौर पर, और पहला डिजिटल सेंसस हुआ। कब हुआ? 1 मार्च से लेके 30 मई तक
ये इसका ड्यूरेशन था, और इसके तहत पर पाकिस्तान की ऑफिशियल आबादी 241.49 मिलियन है। इसकी पूरी डिटेल जो है ना वो आप कहीं से सर्च कर लेंगे, किताब में मेरी मौजूद है, अब टाइम कंफाइंड सारी नहीं लिखा सकता। इसके तहत पाकिस्तान में वुमेन कितनी है, मेल कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, ये सारी चीजें लिखी हैं अपने पास, ये आप अपडेट कर लेंगे अपने पास। लिटरेसी रेट कितना है, जो रेगुलर ग्रुप्स है उसमें मैं भेज दूंगा आपको किताब की पिक बना। और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान कौन सी है, कितने परसेंट है, पंजाब की कितनी आबादी है, सिंध की कितनी आबादी है, सारे सूबों की। अब इसमें आबादी में इस आबादी का टोटल हिस्सा जो है वो कितना है, पाकिस्तान की टोटल आबादी का कितना हिस्सा है, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट आबादी की क्या है। तो ये सारा आप कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करेंगे सेंसस का, अलहदा से एक दो पेजेस इसके ऊपर बनाए, इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। बलोच कल्चर डे मनाया गया जी, मनाया जाता है, गवर्नर बलोचिस्तान स्थान अपॉइंट कर दिया गया। सो वी वर टॉकिंग, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, गलबन ये नेट का इशू आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अब्दुल वली काकड़ जो है वो नए गवर्नर बन गए बलूचिस्तान के। गवर्नर्स अभी मौजूद हैं तो सारे प्रोविंसेस के गवर्नर भी आप लिख लेंगे। मज़ाहिर अल नकवी के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज हुई और अब ही हैज रिजाइन, अप टिल नाउ रिजाइन कर दिया इसने, सुप्रीम कोर्ट का जज था ये लेफ्टिनेंट नजीर अहमद का, हम नैब का पहले डिस्कस कर चुके हैं। रोसो है एक खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का, इसने पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी 41 बॉल पर। अब इंडिया, अब दुनिया में T20 इंटरनेशनल की, मतलब जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उसमें फास्टेस्ट सेंचुरी किसकी है, तो ये नेपाल के क्रिकेटर है, लिख लें अपने पास। कुशाल माला, इसने मंगोलिया के खिलाफ ना एशियन गेम्स में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई T20 की 34 बॉल्स पर। और ओडीआई की जो फास्टेस्ट सेंचुरी है वो एवी डिविलियर के पास है, उसने 31 बॉल्स पे बनाई थी। और टेस्ट की जो फास्टेस्ट सेंचुरी है न्यूजीलैंड के मकलम, उसके पास है रिकॉर्ड ये 54 बॉल्स पर। और थर्ड नंबर पे मिस बॉल आते हैं पाकिस्तान के, जो कि तीसरे नंबर पर है, इन्होंने कोई 56 बॉल्स पे गालपन बनाई थी। तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया गया और गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी मुतारफ करवाई कि अब जो भी गिफ्ट $300 से ज्यादा का होगा आप उसको रिटेन नहीं कर सकते, पहले आप उसको हाफ कीमत पे करके ना रिटेन कर सकते, अब वो खत्म कर दिया गया। लाहौर कलंदर ने जी PSL 5 जीता, 8 जीता, PSL की दूसरी ट्रॉफी है लाहौर कलंदर के पास और ये ओनली टीम है जिसने इसको दूसरी दफा जीता। अर्थक्वेक आया पाकिस्तान में 21 मार्च को और अर के अंदर कोल पावर प्लांट पाकिस्तान ने अफ्तताह किया। पाकिस्तान का 83rd पाकिस्तान डे 23rd मार्च को मनाया जाता है। 23rd मार्च को क्या हुआ था, यू नो बेटर। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिल जो है वो सेनेट और कौमी असेंबली से 29 और 30 मार्च को पास हो गया, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल, जिसके ऊपर बाद में फिर अपील्स भी हुई और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने जो फायर पावर इंडेक्स है उसका सबसे जो रैंकिंग में मोस्ट, 7th मोस्ट दुनिया की पावरफुल आर्मी है, सबसे ज्यादा पावरफुल यूएसए है। बाबर आजम को सितारे इम्तियाज नवाजा गया 23 मार्च को। गोल्डन जुबली सेनेट की मनाई गई और इस सिलसिले में
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 50 रुपए का कॉइन जो है वो मुतारफ करवाया। अब सेनेट जो था वो 1973 में जो है वो बना था। और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, ये आपने जरूर एमसीक्यूज है, इसको सर्च करना है आपने कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। 10 अप्रैल, दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, या 12 अप्रैल। फॉर्मर हॉकी प्लेयर शाहिदा रिजवी, ये आपको पता है, इटली जाते हुए एक कश्ती तबाह हुई थी जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी डूब गए थे, उसमें एक हॉकी प्लेयर थी शाहिदा रिजवी। अनीता फातिमा खान ने इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप जीती। पाकिस्तानी लेजेंड अलीम डार जो पाकिस्तान की तरफ से बड़े मशहूर एम्पायर थे, वो जो है वो रिटायर हुए। इन्होंने रिकॉर्ड इंटरनेशनल 435 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट किया, और किसी भी प्लेयर की जानब, किसी भी एम्पायर की जानब से सबसे ज्यादा है अभी तक। मंसूर अमान नए अटॉर्नी आ गए फिर हैं जी, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने पहली फीमेल चीफ जस्टिस को देखा, और उनका नाम क्या है जी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली। और अभी ये वैसे चली गई हैं, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में की एलिवेशन हो गई है। अब यहां पर ना एक बुरा कॉन्सेप्ट बनता है, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, फर्स्ट फीमेल जज का, हिंदू जज का तो मैं पहले बता चुका हूं, जज एट सुप्रीम कोर्ट। अब ये लिख लें अपने पास, माजिदा रिजवी ये पहली हाई कोर्ट की जज थी, खातून जज पाकिस्तान। चीफ जस्टिस कौन थी, पहली चीफ जस्टिस ताहिरा सफदर, बलोचिस्तान हाई कोर्ट की ये चीफ जस्टिस थी। ये पिशावर हाई कोर्ट की है, ये ना मैंने मुसर्रत हिलाली जो है ना, ये पिशावर हाई कोर्ट की है, बलोचिस्तान की नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। और पहली फीमेल जज जो सुप्रीम कोर्ट में, आयशा अहमद मलिक, ये पहली पाकिस्तान की फीमेल जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। और एक और नाम लिख लें, अशरफ जहां आरा, ये पाकिस्तान शरीयत कोड, एक पाकिस्तान फेडरल शरीयत कोर्ट है, फेडरल शरीयत कोर्ट, इसकी पहली फीमेल जज जो है ना वो अशरफ जहां आरा बनी। एक और नाम लिख लें, खालिदा राशिद, ये एक का आलमी अदालत है, क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है, रवांडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, उसकी प्रेसिडेंट बनी है ये पाकिस्तानी थी। इस मंथ में डेथ हुई कबीर खान साहब की, जो कि अंधेरा उजाला प्ले और बहुत से बेशुमार ड्रामों के जो है वो बड़े जबरदस्त किस्म के एक्टर थे। ये PSL 8 है जी, अब 9 आने वाला है, शुरू होने वाला है, तो इस PSL में लाहौर कलंदर ने दूसरा टाइटल जीता। टॉप स्कोरर मोहम्मद रिजवान रहे, सबसे ज्यादा विकेट्स अब्बास अफरीदी ने ली, प्लेयर ऑफ द फाइनल शाहीन शाह रहे, और प्लेयर ऑफ द सीरीज एहसान उल्ला। अब यही सारी चीजें आप PSL 9 पे भी तैयार करोगे, PSL 8 चूंकि वो हो जाएगा, चला जाएगा, मतलब पीछे चला जाएगा, ऑब्वियसली नया एडिशन उसका आ गया, तो उसके बाद आपने, सो दिस वाज ऑल, ये सारे का सारा जो था ना जी, ये आप लोगों के साथ शेयर किया गया। एक समझ में आ रहा ये मेरी तरफ से, आप चाहिए थैंक चीनी यू थैंक यू।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चाय, द फर्स्ट एंड द लास्ट लव, चाय। जो चाय नहीं पीता ना तो यार मतलब नहीं, मेरा रूममेट नहीं पीता ज्यादा चाय तो यार, ये रूममेट ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर आफाक चौधरी, हेल फ्रॉम रावलपिंडी, द पिंडी बॉय। चाय पी लूं यार, फिर आपसे बात कर पाऊंगा, इजाजत है ना? कहते जो चाय दे भी तो किसी काम का नहीं, कहते मेरा अच्छा, मैं दोस्त ये अच्छा बता रहा था, यार। जिसने चाय नहीं पी वो क्या जिया। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड। ऐसे ही है। अच्छा यार, मैं बच्चों आपको बता रहा था कि ये जो चीज है ना, इसको कर ले, वन पेपर एमसीक्यूज आपको ना टुटगी, मजा आने लग जाएगा। आप वापस आके बताया करोगे कि ये सवाल आया हुआ था, ये सवाल आया हुआ था यार। और मेहनत जो है ना, वो उसका नेमल बदल नहीं है। ये सेशंस में भी मेरी डिस्कशन होती रहती है स्टूडेंट्स के साथ, या कोई और भी वैसे भी फोन कर ले, तो मैं उन्हें एक ही बात बताता हूँ कि यार आप जहां से मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी अच्छा पढ़ ले, अगर आप खुद सिंसेयर नहीं, अगर आप खुद टाइम नहीं दे रहे ना, तो आपको कुछ नहीं बन सकता। और रब्बे ताला का वाला है ना, जो काम जितना करोगे उसी के मुस्तहिक कहलाओगे। इंसान के लिए वही कुछ है जो जिसके लिए वो। बाकी बस दुआ करो यार, ऐप आ रही है अपनी इंशाल्लाह। ये सेशन पूरे का पूरा इसके लिए सफिशेंट है, जीके के लिए। ये यार ग्रुप कौन शेयर कर रहा है ये, मतलब इट्स अनएथिकल कि आप यहाँ पे अपने अपने ग्रुप शेयर कर रहे हैं, और कल को वो तो ग्रुप ज्वाइन करेंगे और आप लोग मैसेजेस कर करके उस बंदे का या बंदी की बेचारी की जिंदगी आराम कर देंगे। क्यों करते हैं ऐसे, पाकिस्तानी कौम का कुछ नहीं हो सकता। स्कैम करते हैं फिर ये लोग कि जी मैं उधर से एडमन से बात कर रहा हूँ, जी आप वो सेशन इतने का था, हम आपको इतने का दे रहे हैं, वो पे करता है, उधर से वो नंबर बंद हो जाता है, अल्लाह अल्लाह खैर से। अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये पीएमएस के लिए कम्प्रीहेंसिव है ये सेशन, पीएमएस का इस्लामियात के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो भी कवर होंगे, फिल इन द ब्लैंक जो पाकिस्तान अफेयर में आती है वो भी कवर होगी, उर्दू के जो जो मारूजी है वो कवर होगी, इंग्लिश की जो मारूजी है वो कवर होगी, इसीलिए इट इज अ जीके प्लस, राइट? एंटोनिम्स और सिनोनिम्स यार, ये बड़े ट्रिक्स पड़े हैं, यूट्यूब पे जाओ। हमजा तुम्हें मैंने टॉप फैन की कैटेगरी दे देनी है, क्लास टाइमिंग 8 से 10। फी वगैरह यार एडमन से पूछेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे जी, इस सेशन को अगले तक हम खत्म कर देंगे। ऐप बनवा रहे हैं वैसे, बस दुआ करें वो जल्दी से उसमें कुछ बग्स आए हैं वो भेजा है, तो जब ऐप बन जाएगी तो फिर ये रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग वाला मामला सीधा ही हल हो जाएगा, यहीं से डायरेक्ट जो है ना ऐप पर एक्सेस हुआ करेगी। वहां पे फौरन देखा, दो दफा उसको देखने की एक्सेस दिया करेंगे। और साथ ही एक लेक्चर लिया, साथ ही एमसीक्यूज आ गए, सॉल्व करो जी, मजे करो, बड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा इंशाल्लाह। GAD और ADIB, MOD, हर चीज इसमें कवर होगी। सिलेबस यही होता है हर टेस्ट का, किसी में उसकी वेटेज ज्यादा होती है कंप्यूटर की, किसी में इंग्लिश की ज्यादा होती है, सिलेबस यही होता है, तो इसलिए हमने उसको कॉम्प्रिहेंसिव रखा हो। अगर लेक्चरर हैं आप तो आप 34 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। तहसीलदार, विच क्लास, कोई डिफरेंस नहीं है जी। इंटरव्यू के लिए करवाता हूँ मैं सेशन, 101 देता हूँ ऑनलाइन, और या कोई मुल्तान और लाहौर में बंदा अवेलेबल तो फिजिकली मुझे मिल सकता है, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, इन माई डेट्स, तो अवेलेबल डेट्स, और बाकी ऑनलाइन है तो आप एडमिन से रब्ता कर सकते हैं इंटरव्यू ले। और बाकी मेरा एक इंटरव्यू का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर पड़ा है यूट्यूब पे, अफेक्टिव इंटरव्यू प्रिपरेशन बाय सर शफीक डोगर, वो एक पूरा प्रॉपर 40 मिनट का लेक्चर है, उसके तहत आप तैयारी करें और 2-4 मॉक्स दे लें तो उससे बाहर सवाल नहीं आ सकता। पर्शियन अगर आपको आता हो मरवा तो बहुत अच्छा है और इजी है, बहुत शॉर्ट सिलेबस है, लेकिन अगर आपको आता हो या आप किसी से पढ़ें तो
तो इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको डील कैसे करते हैं. बाकी सिलेबस उसका बहुत शॉर्ट. आई हैव सीन पीपल स्कोरिंग 180, मगर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जो पर्शियन एक पढ़ा भी रहा था, उसके एक पेपर में 80 आए पिछले साल और एक में आए उसके 47, जिसकी वजह से उसकी एलोकेशन रह गई. मरवा मैंने बता दिया आपको, पंजाबी हो सकती है. पंजाबी घर में बोलना लाजमी नहीं है. अगर आप उर्दू लिख सकते हैं तो पंजाबी भी लिख सकते हैं, अगर आपको पंजाबी की. हाँ ऐसे ही है. ये सरकारी नहीं है यार, ये मैं अलहदा बनवाता हूँ, अपनी बनवाता हूँ. एजुकेशन अच्छा स्कोरिंग नहीं है मारिया, लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और आप कहते हैं कि मेरी एजुकेशन की ऑलरेडी तैयारी है, तो फिर ठीक है. मोस्टली लोग नहीं रखते एजुकेशन को, लेकिन अगर किसी का स्ट्रांग एरिया है एजुकेशन, तो फिर ठीक है. मतलब आपको चाहिए 140, 140, 150 से अबव एटलीस्ट. पीएमएस मरियम, आप मुझे रापता कर लें. मैं इंडिविजुअली ना अभी तो नहीं करवा रहा, लेकिन जैसे ही मेरी ट्रेनिंग खत्म हो रही है मैं कुछ सोच रहा हूँ इसके बारे में. इंशाल्लाह. हाँ फिजिबल है. फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बहुत लोगों ने, मेरा ये रूममेट है इसने मैथ फिजिक्स रख के पास किया हुआ है. एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री पता नहीं है अभी सही कि नहीं इसमें, पीएमएस में. आई हैवंट